आदरणीय दर्शकों, आज के वीडियो में जानेंगे कि दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसे आपने सीख लिया तो आप अजेय बन सकते हो। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप मान और अपमान के परे हो जाते हो। जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, आपको भय, दुख और कष्ट स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। दुख और कष्ट क्या, आपको मृत्यु भी नहीं डरा पाएगी, क्योंकि मृत्यु भी इसी जीवन का अभिन्न हिस्सा मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप दर्शन के माध्यम से जीवन के उस स्रोत को देख लेते हो जहां से आप संचालित होते हो। एक सामान्य इंसान के लिए दर्शन और दार्शनिक बातें हमेशा से बड़ी भारी भरकम ज्ञान के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में दर्शन क्या है को आप आसानी से समझ सकेंगे। दर्शन शब्द को समझिए पहले। दर्शन का अर्थ होता है देखना, एक ऐसी विद्या जो आपको देखने की कला सिखाती हो। तो आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, मैं देखना तो जानता ही हूँ कि मेरे आसपास क्या है, क्या चल रहा है। तो जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। आप जो सामान्य आंखों से देखते हैं वो आपके जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सच तो यही है कि आपको अपने सामान्य आंखों के ऊपर ही देखने की पूर्ण निर्भरता आपके जीवन को दुख और असफलता की खाई में ले जाता है, क्योंकि आपकी दृष्टि जिसे आप देखना कहते हो वो आपके जीवन को वर्षों आगे तक, यहाँ तक कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक देख सकने में सक्षम नहीं है। और आपको अपनी सामान्य दृष्टि पर निर्भरता ही आपको अपने जीवन में घटित छोटी मोटी घटनाएं विचलित कर जाती है। हो सकता है कि वर्तमान में जो आपके जीवन में घट रहा, जिसे आप लेकर के दुखी और परेशान हो रहे हो, वो आपकी चेतना को निखारने और आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए अवसर पैदा कर रहा हो। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे तुम गरीब हो तो एक सामान्य दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इसे लेकर के दुखी होगा, परेशान होगा कि मैं गरीब हूँ, अभाव में हूँ, दुख में हूँ। लेकिन वही दार्शनिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति देखेगा कि मेरी वर्तमान की गरीबी भविष्य की अमीरी का प्रारंभ है, क्योंकि मेरी वर्तमान परिस्थिति मांग कर रही कि अपनी मानसिक क्षमता और श्रम को अमीर बनने की दिशा में लगाया जाए। एक सामान्य दृष्टिकोण वाला व्यक्ति छोटे से जख्म के दर्द से कराह उठेगा, लेकिन वही दार्शनिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इसी जख्म को इस रूप में देखेगा कि मेरा शरीर अपने अंदर से जहर निकाल समायोजन की प्रक्रिया से गुजर रहा, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जख्म, मवाद और दर्द हो रहा। अर्थात दर्शन शास्त्र आपको वो दृष्टि देती है जिससे आप अपने जीवन को उस ऊंचाई से देख पाते हो जहां से आपके जीवन का हर पहलू स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति वृक्ष की जड़ के पास खड़ा है और दूसरा व्यक्ति वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा के ऊपर खड़ा है, तो दोनों में कौन ज्यादा दूरी तक, विस्तृत स्थान तक स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो सहज आंसर होगा कि जो व्यक्ति वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पे खड़ा है, वही व्यक्ति ज्यादा विस्तृत स्थान तक, ज्यादा दूरी तक सहज रूप से देख पाने में सक्षम होगा। दर्शन शास्त्र आपके जीवन को उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जहां से आप अपने जीवन के विस्तृत और समग्र दायरे को देखने में सक्षम हो जाते हो। इसके लिए दर्शन शास्त्र आपको विभिन्न प्रकार के मानसिक अभ्यास, योग, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान और संयम सिद्धांत की प्रेरणा भी देता है, जिससे आप अपने अंदर की दृष्टि को कुशाग्र और विस्तार कर सको। और भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन का यही उद्देश्य है कि आप दृष्टि को पाओ और अपने जीवन को समग्रता के साथ
अर्थात अच्छा और बुरा दोनों में स्थिर रहो और आनंद लो, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है मृत्यु, और मृत्यु का लक्ष्य है नए जीवन का प्रारंभ, और जीवन और मृत्यु दोनों से परे है मुक्ति। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि दर्शन शास्त्र क्या है। आने वाले वीडियो में ऐसे ही दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।